हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन जे आर अब। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो क्या हाल चाल सबके, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ भी सबकी अच्छी चल रही होंगी। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसमें हम करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम के बारे में, एक बहुत इंपॉर्टेंट अच्छी अपॉर्चुनिटी के बारे में डिस्कशन, यानी विद्या संबल योजना, जिसमें हम गेस्ट फैकल्टी रिक्रूटमेंट के बारे में बात करेंगे। आपके लिए बम्पर वैकेंसीज हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आई हैं फॉर द गेस्ट फैकल्टीज, जो कि राजस्थान के डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस में, 15 से ज़्यादा कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट पे निकली हैं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, एज अ गेस्ट फैकल्टी काम करने का बेस्ट चांस है दोस्तों। पढ़ाई के साथ में आप अपनी जॉब भी कर सकते हैं, पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या सैलरी रहने वाली है, कितने पोस्ट हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये सारी जानकारी लेंगे। यहाँ पे आपका कोई एग्जाम नहीं होगा, नो एग्जाम नो इंटरव्यू, कोई आपका इंटरव्यू इसमें नहीं होने वाला है। डायरेक्ट आपका जो सिलेक्शन है वो इसमें होगा, और जो सिलेक्शन होगा दोस्तों वो आपका किसके बेस पे होगा, वो एपीआई स्कोर के बेस पे होगा आपका, ठीक है? आपका जो एकेडमिक स्कोर है, जो आपका गुड एकेडमिक स्कोर है, गुड एकेडमिक स्कोर है, उसके बेसिस पे आपका जो सिलेक्शन है वो इसमें पूरा का पूरा होने वाला है। तो डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं कि क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस है और किस किस कॉलेज में इसकी वैकेंसीज हैं वो अभी आई है, और आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो इसमें क्या रहेगा, तो ये चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। चलिए, तो अगर सबसे पहले आपने अगर JRF अड्डा को इंस्टॉल नहीं किया तो फटाफट से इंस्टॉल कीजिए, क्योंकि ये है आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर द UGC नेट सेट असेसमेंट प्रोफेसर। साथ में दोस्तों, अगर आप अर्ली बर्ड बैच से जुड़ना चाहते हैं और पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की आप तैयारी करना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए अर्ली बर्ड बैच है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे कंप्लीट तैयारी आपको करवाई जाएगी। साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच चल रहा है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं दोस्तों राजस्थान विद्या संबल योजना 2023 की। तो देखो, सबसे पहले तो इस योजना के बारे में आपको बता देता हूँ, ये राजस्थान सरकार की एक योजना है, विद्या संबल योजना, जिसमें जो भी हमारे वैकेंट पोस्ट हैं कॉलेजेस में, उनको गेस्ट फैकल्टीज के द्वारा भरा जाना है, ठीक है? तो नेम ऑफ द स्कीम क्या है आपका, राजस्थान विद्या संबल योजना, और इसका डेजिग्नेशन क्या मिलेगा, गेस्ट फैकल्टी टीचर, या गेस्ट फैकल्टी आपके कॉलेज में जाएंगे तो आप गेस्ट फैकल्टी लेक्चरर आप ऐसा कहलाएंगे। अब दोस्तों, इसमें आपका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, जो एलिजिबिलिटी है आपका, वो जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो एलिजिबिलिटी होती है आपकी, वही आपकी एलिजिबिलिटी इसमें रखी गई है। तो आपको क्या करना है, इसमें एलिजिबिलिटी के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो एलिजिबिलिटी है वही एलिजिबिलिटी है, यानी या तो आप नेट होने चाहिए या आप सेट होने चाहिए, ठीक है? देखो, अभी राजस्थान सेट आपका निकला हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, नेट आपका निकला हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपका PhD होना चाहिए या MPhil आप होनी चाहिए। इनमें से कोई भी एक डिग्री आपके पास में अनिवार्य है, मतलब मैंडेटरी है, आपके पास में होनी चाहिए, PhD, MPhil, नेट और सेट। अब देखिए, इसमें आपका जो एपीआई स्कोर बनेगा, आपका जो आपका पूरा का पूरा स्कोर कार्ड बनेगा, वो कैसे बनेगा, जिसके बेस पे आपका सिलेक्शन होना है, तो उसमें आपके वेटेज हैं वो रखे गए हैं। तो देखो, आपके जो एकेडमिक रिकॉर्ड्स हैं उसका भी वेटेज है, आपका PhD का भी वेटेज है, नेट सेट इन सब का वेटेज है आपका। तो देखिए, यहां पर हम बात करें आपका स्नातक, तो स्नातक में अगर 80% से आपके ज्यादा है, यानी आपके ग्रेजुएशन में अगर 80% है और उससे ज्यादा है, तो आपको कितना परसेंट मार्क्स मिल सकता है, आपको आपको मिलेगा 21 मार्क्स, ठीक है? 21 मार्क्स आपको 80% से ज्यादा है या 80% है तो मिलेगा। 60 से लेकर 80 के बीच में है तो आपको कितने नंबर मिलेंगे, 19 मार्क्स, और 55 से लेकर 60 के बीच में है तो आपको 16 नंबर मिलेंगे, और 45 से लेकर 55 के बीच में है तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। और आपका PG में मार्क्स कैसे मिलेंगे, PG में 80 या उससे ज्यादा है तो 25, 60 और 80 के बीच में है तो 23 आपको मार्क्स मिलेंगे, और 55 और 60 के बीच में है तो 20 नंबर आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है? और SC ST जो आपके हैं, OBC हैं, उसके लिए 50% ही क्राइटेरिया रखा गया है आपका, ठीक है? 50 से और 60 के बीच में आपका, ठीक है? इसके बाद में दोस्तों, जो एमफिल है, एमफिल के आपके नंबर मिलेंगे
अगर आपका 60 या उससे ज्यादा परसेंट है तो 7 नंबर इसके आपके मिलने वाले हैं, और 55% और 7 से कम है तो आपको 5 नंबर इसमें मिलेंगे। पीएचडी के आपके नंबर जो रखे गए हैं वो 25 नंबर रखे हैं, तो जिसका पीएचडी है दोस्तों तो वो आप समझिए उनका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि यहाँ पे 25 मार्क्स आप एक्स्ट्रा लेके जाओगे। जीआरएफ और नेट है आपका, नेट के साथ जीआरएफ है तो 10 नंबर, नेट अकेला है तो 8 नंबर, सेट है आपका तो 5 नंबर, और आपके जो रिसर्च पब्लिकेशन है उसके 6 नंबर हैं, और आपका जो एजुकेशनल एक्सपीरियंस आपका उसके लिए आपके 1 वर्ष के लिए 2 अंक रखे गए हैं, और अधिकतम अंक होंगे वो आपको 10 नंबर मिल सकते हैं। अगर आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार ये सब मिला है तो 3 नंबर है, और राज्य स्तरीय पुरस्कार आपका दिया गया है तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। याद रखना यहां पर एमफिल है, एमफिल और पीएचडी के 25 नंबर, जीआरएफ नेट के 10 नंबर, और अवार्ड की श्रेणी में आपको 3 नंबर, ठीक है। तो ये नंबर है जो आपके दिए गए हैं दोस्तों, ठीक है। तो यदि शिक्षण पोस्ट डायरेक्टर अनुभव की अवधि 1 वर्ष से कम है तो अंकों को अनुपातिक रूप से घटा दिया जाएगा, ये भी इसमें बोला गया है। तो ये चीजें आप सबको पता होनी चाहिए कि क्या क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो जो असिस्टेंट प्रोफेसर का है, नेट, सेट और पीएचडी, इनमें से कोई एक आपका होना चाहिए, और इनके आपके नंबर है वो यहाँ पे दिए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें कि आपको सैलरी कितनी मिलेगी, तो सैलरी की मैं बात करूं तो देखो यहां पर हम सैलरी की बात करें तो सहायक आचार्य के लिए जो सैलरी मिलेगी आपको वो 800 रुपये आपको पर घंटा मिलेगी, है ना, और 1 सप्ताह में आप 14 घंटे ही पढ़ा सकते हैं, तो 14 घंटे ही आप पढ़ा सकते हैं, 1 सप्ताह की सैलरी आपकी ये होगी, ठीक है ना। उसके बाद में हम बात करें यहां पे कि जो सह आचार्य हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, उनको 1000 और आचार्य के लिए 1200 रुपये आपके पर घंटे मिलेंगे, और ये आपके मैक्सिमम आवर है जो 1 वीक में आप पढ़ा सकते हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा है। इसके अलावा दोस्तों अब हम बात करते हैं कि कहाँ कहाँ पे आपकी वैकेंसीज निकली हैं। तो वैकेंसीज कहाँ कहाँ पे निकली हैं, तो एक तो देख ली आपकी राधेश्याम आर मोरारका राजकीय महाविद्यालय झुंझुनू में आपकी वैकेंसी निकली है, और इसमें आपका कौन कौन सी आपकी कॉलेजेस हैं, जैसे राजकीय महाविद्यालय चिड़ावा है, राजकीय कन्या महाविद्यालय मंडरेला है, और राजकीय महाविद्यालय बिसाऊ, यहाँ पे आपके डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट में वैकेंसीज निकली गई हैं। इसके लिए दोस्तों जो आपका मानदंड है वो आपका क्या है, मतलब जो पैसे आपको मिलेंगे 800 रुपये पर आवर आपको मिलने वाले हैं, और ये कब तक मिलेगा, देखो इन्होंने विज्ञप्ति में जारी किया है कि इस योजना के अंतर्गत 24 सप्ताह अथवा 28/2/2024 जो भी पहले हो गेस्ट फैकल्टी की अस्थायी रूप से आपको नियुक्ति की जाएगी, यानी कि ये सिर्फ 24 वीक के लिए ही है, या तो 24 वीक या आपका 28/2/2024 जो भी पहले आएगा उस तक आपका ये वैलिड रहेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट है जो आपका वैलिड रहेगा, ठीक है। ये परमानेंट पोस्ट नहीं है, ये आपकी गेस्ट फैकल्टी है। इसके अलावा हम बात करें तो राजकीय कन्या महाविद्यालय लालसोट में आपकी वैकेंसी है, इसके अलावा राजकीय कन्या महाविद्यालय मंडावरी दौसा में आपकी वैकेंसी निकली हुई है, राजकीय महाविद्यालय चाकसू जयपुर में आपकी वैकेंसी निकली है, और राजकीय कन्या महाविद्यालय गोविंदगढ़ में आपकी वैकेंसी निकली है, ठीक है। तो ये आपकी वैकेंसीज हैं। अब इसके लिए दोस्तों मैं आपको टेलीग्राम पर ये शेयर कर रहा हूँ, आप देख लेना कहाँ कहाँ पे वैकेंसीज हैं, ठीक है। तो नेट जेआरएफ विद शिव अपना टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन करो। साथ में एक चीज और बताऊं कि ये जो वैकेंसी ये और भी कॉलेजेस में है, 15+ कॉलेजेस हैं जहां पे आपकी वैकेंसीज निकली हैं, और ये आपको कहाँ मिलेगी, न्यूज़पेपर में डेली ये वैकेंसीज आपकी आ रही हैं, तो वहां से आप देख सकते हैं, लोकल न्यूज़पेपर को आप सर्च करेंगे तो आपको ये वैकेंसीज हैं वहां देखने को मिलेंगी। तो ये थी इन्फॉर्मेशन, बहुत अच्छा मौका है अगर आप पढ़ाई के साथ में अपनी जॉब करना चाहते हैं, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, तो बेस्ट चीज़ है आप कर सकते हैं इसको। इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से आप सब लोग सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, नेट जेआरएफ फतशिव, ठीक है, जहां पे आपको मैं पीडीएफ भी शेयर कर रहा हूँ। सो गाइज दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ओके बाय बाय।